समझी। कैसे हैं सर आप? कौन सी वीडियोस? सर बेसिकली मैं अभी गई थी दानिया शाह के घर पे इंटरव्यू जी करने, जी अभी मैं रास्ते में ही हूँ। तो उन्होंने कुछ वीडियोस आपकी दिखाई हैं मुझे। ओके। मैं एक वीडियो का हवाला दे देती हूँ आपको, बिकॉज़ उन्होंने मुझे मना किया था। वीडियो एक ऐसी थी कि आपकी शर्टलेस थे आप बेड के साथ बैठे हुए नीचे, और ड्रग्स जो हैं वो बेड के ऊपर पड़े हुए हैं, साथ ड्रिंक की ग्लास है और ड्रग्स आप ले रहे हैं। मैं ड्रिंक ले। अच्छा अच्छा ये जो आप दिखा दें, तो शर्टलेस में बैठा हूँ, जी जी नीचे सर, बैठा हूँ, जी जी तो जगह मैंने, बैठा हूँ ना, हाँ, बेड मैं के तो साथ, उसमें पहुंची बात। और वो ड्रिंक है जी जी आप ड्रिंक बताओ, का, एप्पल ड्रिंक का शॉट गिलास था पड़ा कुछ हुआ और है आप कैसे कैसे थी ड्रिंक? सर। आप उसने वीडियो दिखाई ना मुझे, वो वाली, वही तो कह रहा हूँ, आपको कैसे पता कि ड्रिंक है वो? तो बट वो जो आप उसके लिए तो पाउडर, आपको टेस्ट करना पड़ेगा ना अस्पताल में, इसलिए जो पाउडर आप ले रहे हैं वो तो नज़र आ रहा है ना, कि वो आप स्मेल नहीं। कर, वो जो सूंघ रहे थे आप, वो तो मैंने देखा है ना। वो तो दानिया है ना, दानिया ने क्या आई थी लोधरा से, दानिया लाई थी वो? लोधरा से खुद लेके आई थी, वो तो जाती घूमते, तुम्हें नहीं पता था ना नहीं, कि तो काम में पड़ी। वो कह रही है कि उसको आप नशे पे लगा रहे मैंने थे और कुछ नहीं आप, किया भाई, वो लेके आई थी क्योंकि वो ये सारे काम करती थी। आप ये देखिए ना, मैंने तो आपको बताया कि मेरा टेस्ट कराना हो तो आप अस्पताल में कराएं, वो ठीक है ना, कह ये रही है, सीधी मैंने बात। उसे कहा है उसने कि कहा मैं डॉक्टर, आइस लेता हूँ, आइस तो सूंघ ही नहीं जाती ना, उसे हाँ कहा मैं शराब पीता हूँ, शराब दिखा देगा। वो कह रही है कोक पीते हैं आप, कोक है कोक कोई, कैसे पी सकता हूँ मैं, कोक पीने के लिए क्या सूंघा जाता है? पता नहीं। वो जाओ, आप जो मैंने तीसरी बात ब्लैक कह रही है, प्लेट के अंदर तीसरी देखा बात है, जो मैंने देखा है अपनी आंखों से, तो भैया मैं, कोक पी जाती है तो सूखा नहीं जाता, वो उससे पी जाती है, वो जो क्या नाम है, कोई हुक्का वक्का टाइप चीज होती है। मेरे माइंड में सवाल सिर्फ इतना था कि कल जब आपके पास हम आए, आपने कहा है कि मैं वीडियोस नहीं दूंगी जो कि मैंने खुद देखी थी, जी तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि फिर आपकी मोबाइल की वीडियोस कैसे निकली बाहर? यार, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा मोबाइल हैक हो चुका है, मेरी वॉइस भी काफ़ी सारी डेल हो चुकी है मोबाइल से, तो तो आप, मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया है। तो आपका वो जो है, क्या कहते हैं, आईफोन का आई क्लाउड जो होता है, वो आपने देखा है किसका ईमेल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? ईमेल मेरा लगा हुआ है, लेकिन वो ईमेल बार बार चेंज हो रहा है, और मेरी इंस्टा की आईडी भी बार बार चेंज हो रही है, पिक्चर चेंज हो रही है बार बार। तो आपको लगता है कि आप अब सेफ हो? बिल्कुल भी नहीं, इस वजह से आईडीपीओ के पास आई हूँ। डीपीओ के पास गए थे हम, और वो वीडियोस वगैरह जो हैं वो चलनी है, तो जिस बात पे मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी, क्योंकि हकायक हमें डीपीओ चाहिए कहाँ गए होते थे? हैं डीपीओ डीपीओ के पास, कौन? तो वहीं पर लोधड़ा में। वो क्या कह रहे हैं? वो उससे उनके कहता पास लो, फिलहाल तो वो वीडियोस वगैरह का ही मुताबला कर रहे हैं कि उससे कहता हम, लो भाई डीपीओ का, ये कराची का मार्केट मैटर मैटर है मेरी बात। जी, और डीपीओ का, ये डीपीओ क्या कर सकता है? डीपीओ किसे, मैंने कुछ कहा है जो डीपीओ के पास? बट मैंने बात बात की वही थी, ना कि मुल्ला की धोड़ बात की मसीब है तक, भाई, वो तो वहीं पर जा मैंने रही है कोर्ट में ना, केस किया, मैं कोर्ट में चला जाऊंगा, क्या है वो वहीं पर जा रही है ना, तो मुझे तो सिर्फ सच्चाई चाहिए जो भी है, क्योंकि सच्चाई? ये आप, क्यों झूठ बोल, आपको इतनी बड़ी बात, आपको आपको आवाज नहीं सुनाई इसकी, जिसमें कह रही है ये डाल दो वो डाल दो, कितनी इतनी बात कर रही है, तो वो आप आपको कुछ नजर नहीं आ रही, वो वो आपको नजर नजर नहीं आ रही आ रहे हैं सर, बट जी, आपको मैंने नजर जो नहीं आ रहा भी, कि ये लोग, ये लालची लोग हैं, आपको नजर नहीं आ रहा कि पैसा मांग रहे हैं? सर मैं इस चीज़ को एग्री करती हूँ, क्योंकि 11.5 करोड़ का उन्होंने कहा है कि हमें ये चाहिए, ठीक है? निकाह में ही नहीं, मैं आप किसी बात कर रही हैं, लेकिन आपको इतना बता दूं कि आप जहन रखिए कि जिनके पास आप गई हैं वो क्या कर रही हैं, वो तो पैसे मांग रहे हैं, और पैसे मांगने वालों से क्या बात करूं मैं, क्योंकि सब झूठ है। मैं कमरे में बंद बैठा हूँ और अल्लाह ताला से इस्तगासा पेश कर रहा हूँ कि मेरे साथ जो ज्यादती हुई है मरदिया उसका जाल कर। सर क्या आप उसे झूठी की बात जा रही हैं, आप उसे झूठी की बात जा रही हैं, और वो झूठी आपको गलत गलत खबरें दे रही है। आप कैसी बातें कर रही है? मेरी बहन 15 दिन वो मेरे साथ रही है, मैंने सारी तस्वीरें डाली उसकी जिसमें खुश है, हंस हंस बोल रही है, 15 दिन वो कह रही मैं कैदोबंद में रही, मुझे जेल में रखा, मुझे कैद रखा, मुझे खाना नहीं दिया, क्या खाना लेने वाले लोग ऐसे होते हैं? आप मुझे बताइए, मैं तो खुद तकलीफ में हूँ, मैं तो खुद परेशानी में हूँ, कुछ मैं तोहमत लगी थी। मैंने एक ऐसी लड़की को सहारा दिया था कि जिसको कोई सहारा नहीं देता, और उसने मेरी वो इतनी मैंने बेइज्जती घर की, देख लिया, वो और आप मैंने मुझे घर इग्नोर देख कर रही लिया, हैं, उससे मुझे यकीन इससे हो क्या गया फायदा है होगा? कि मैं तो सहारा अपना दिया वक्त सारा आपने। इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ, अपनी फेसबुक पे डाल रहा हूँ, अपने व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ, हर जगह डाल रहा हूँ, और कोर्ट में जाना होगा मैं पेश कर दूंगा। आमिर भाई, आप भी मेरे आपके भाइयों की क्यों तरह बताए, हैं, आप परेशान ना आप हो। सुन रही है मेरी आप, बात? जी जी बिल्कुल सुन रही हूँ आपको, जहाँ तक हम मैं कह रहा हूँ, आप जानते एक हैं, अच्छा किरदार अदा कर सकती हैं अगर मैं, मेरी जो बात कर आप कर, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बजाय कि हम खबरों में पढ़े, आप एक अच्छा किरदार अदा कर सकती हैं, मुझे दिल में बता रहा हूँ। आप ये देखो बेटा, बात ये कि तुम ये सब काम करती थी, सबको पता है, ठीक है, उस आदमी को भी पता था, उसने तुम्हें सहारा दिया, उसने तुम्हारा हाथ थामा, उसने तुम्हें, तुम्हारे साथ सभी उरूस नहीं गुजारी क्योंकि तुम छोटी थी, उसने तुम्हारे साथ तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया तुम्हें, और तशद्दुद के सारे, देखिए तशद्दुद के निशानात होते हैं, अगर तशद्दुद बहुत बड़ा लफ्ज है, बहुत बड़ा लफ्ज है, तशद्दुद का मतलब होता है बहुत बहुत बुरी तरह मारना, निशाना जिस्म पर है, ठीक है ना। तो अब मैंने कुछ ऐसे काम किया, मैंने इसके साथ कोई बुरा काम नहीं किया, मेरी कोई बुरी बात नहीं, आप उससे कहें तुमने सब कुछ किया बेटा, जो तुमने इतनी गलती गलती बातें की, तुमने गलत गलत बातें की, तो उसको सारी बातें लानी पड़ेगी अंतरजाम, वरना वो नहीं लाता, वो कभी नहीं लाता, उसने कभी नहीं लाना था, और तुम्हारे घर में वो मदद करता रहा, हर महीने तुम्हें पैसे देता रहा, हर महीने तुम्हारे घर वालों को पैसे देता रहा, अभी इस महीने मरियम सिर्फ इस महीने इनको 22 लाख रुपए दिए, कितने 22 लाख,
इसके बच्चे का बच्ची की पैदाइश थी, इसके अपने पैसे थे, इनके सूद की रकम का भी मैंने खात्मा किया, इनके कुछ घर के भी व्यवसाय थे मैंने दूर किए, भाई साहब बेटा बन बेटा बन के घर का बेटा बन। उसके बाद जैसे ये कर दिया, अब एक ही हल इसका निकलता है, इस जंग को लड़ने के बजाय ये वापस अपने घर आए, मैं इसको इस हालत में कबूल करने को तैयार हूँ। आप देखिए, क्योंकि मैंने क्या किया था कि मैं ऐसी किसी लड़की को अच्छे अच्छाई के रास्ते पे ले आऊंगा, मैं हजरत जुनैद बगदादी को पढ़ता हूँ बहुत, ले आऊंगा मैं, ये ले आएगी, मैं फिर दुनिया में एक बहुत बड़ा एक मिसाल बनकर दिखाऊंगा कि आप इन लड़कियों को भी हाथ खा सकते। वो उसके घर के हालात जो हैं वो कह रही है हमें कोई पैसा नहीं दिया, हमारे पास कुछ नहीं है, उनके गाड़ी भी इंस्टॉलमेंट की थी, मैंने बहुत पैसे दिए, बस इससे ज्यादा मेरे पास बैंक 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 के था तमाम स्लिप है, बैंक तो झूठ बोलेगा। तो वो कह रही है कि मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर तो झूठी बोलेगी ना। हाँ ये तो है। इसके अलावा ये जो लेके गई थी 5 लाख रुपए लेके गई थी, इनकी अम्मी को मैंने 3 लाख रुपए दी, 7 लाख रुपए जो सूद अदा करवाए उसकी भी रसीद देवा मुझे, वो भी मुझे बैंक में जमा कराए, कराची से जमा हुए 7 लाख रुपए। लेकिन मैं चाहता हूँ इस लड़की का मुस्तकबिल सही हो जाए, मरियम दुरुस्त हो जाए, मैं आपको जोर से बात करूँ, मेरी आवाज बैठी है, आवाज नहीं निकलती, मुझे जोर से बोल रहा हूँ, इसका मुस्तकबिल सही हो जाए, इसकी इसकी हालत सही हो जाए, ये खुद सही हो जाए, अभी भी सारी बातें मिट जाएंगी, ये अपने शोहर के घर वापस आ जाए बस, और क्या। तो वो आपस की बात है, वो कह रही है कि अगर मैं वापस जाऊंगी तो वो मुझे जान से मार देंगे। खुदा पाक की कसम खा के रहा हूँ, आप गवाह बन जाए, आपको मैं गवाह बना दूँ, अगर मैंने कुछ मरियम मेरी नेकी तो जाया हो जाएगी ना, फिर मरियम मेरी नेकी जाया हो जाएगी, इसको समझाए बेटा तुम गलत सोच रहे हो, वो ऐसा आदमी नहीं है। सही। अच्छा मैंने एक इंटरव्यू किया है, वो मैं तुम्हारे पास रोज आती रहूंगी, समझ गई, हफ्ते तक कह रही मुझे नमाज ही पढ़ने देता था, ये कह रही है ना, कह रही है मुझे बताओ नमाज कैसे पढ़ जाती है, ये बताओ, कह रही है कुरान पाक भी नहीं पढ़ने दिया, आप उससे पूछे तो पढ़ना आता है, पढ़ाई दिखाओ, इसको कुछ नहीं आता पढ़ना, ये झूठ बोल रही है, जब तक नमाज पढ़नी नहीं आती तो मैं रुकूंगा कैसे, इसे पूछे रकात क्या होती है, अलहम शरीफ कैसे पढ़ी जाती है, पूछे तो ये जाहिर इसको कुछ नहीं पता, इसको लोग बहका रहे हैं देश के लोग, ये जो घर टूट रहा है घर, ये घर जो है ये दुनिया में पहली मरतबा ऐसा घर बना है, ऐसे घर का मतलब ये कि जो किसी गलत कामों में पड़ी लड़की को किसी ने थामा हो, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये मिसाल बने, मैंने यही मिसाल बनाने की कोशिश की थी और मैंने दुनिया को नहीं बताना था, मैंने दानिया को छुपा के रखा एक तरीके से, मतलब ये उसको मैं पहले इस दौरान उसकी शोहरत बढ़ाता रहा ताकि अच्छी शोहरत इसकी बने, आप देख रहे होंगे मैं टीवी पे ले जाता था, अपने साथ ले जाता था, मैंने तो नहीं कहा था तुम्हारे सामने पड़ जाओ। एक उसने और इल्जाम लगाया है, वो कह रही है कि आमिर साहब मुझे कहते थे कि मैं तुम्हारी पोर्न वीडियोस बना के लाखों करोड़ों में क्यों बनाऊंगा, मरियम मेरी दो बीवियों से पूछ लो यार, खुदा का बंदा माने आप, मेरी लाश को भी तो देखिए, 50 साल का मैं हो गया हूँ, बेदाग मेरे किरदार रहे, इससे पहले मेरी कोई वीडियो बनाई है, बताया मुझे, आप थोड़ा सा सोचेंगे तो सही, हकल भी तो इस्तेमाल करें, मैं इसको टीवी पे ले जा रहा हूँ, रमजान टेलीविजन देने जाता हूँ और मैं वीडियो बनाऊंगा, थोड़ी अकल तो इस्तेमाल करें मरियम, वो कह रही है आपके पास कोई पैसा नहीं है, आप गरीब है इसलिए आप पैसा कमाना चाहते हैं, मैं कहाँ से कमाऊंगा, मैं 50,000 रुपए टीवी ले सकता हूँ, आप कीजिए बस मरियम, आपको हंसेंगे इन बातों में, बिल्कुल आप मुझ में यही सोच रहे थे कि मैं तो छोटे होते हुए से ही आपको देख रही हूँ टीवी पे काम कर, मरियम मेरे पास अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरे पास मैं इससे पैसे कमाऊंगा, मैंने अपनी बीवियों से पैसे नहीं कमाए कभी, मैं और इससे पैसे कमाऊंगा, मैं तो उसको इज्जत दूंगा, आप अब तो मेरी बहन है और साथ ही आपके साथ कुछ हो सकता है क्या, आप खुद देख लीजिएगा, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, परेशान हूँ, जाहिर सी बात है हर बंदे की एक इज्जत होती है, इस तरह से नाम करना मुनासिब है, मैं कब तक जवाब दूंगा, मैं जवाब भी देना चाहता हूँ, मुझे आप एक बच्ची जो कि अभी उठी थी अभी आगे बढ़ना चाहती थी उसको बहका कर लोगों ने उल्टी सीधी बातें करवा जो कि हकीकत नहीं है, तो क्या मैं इससे जवाब दूँ, शराब का तो फौरन हो जाता है, आप इसको समझाएं और कहे तो आओ और देखो चीज को देखो, तुम ये गलतियां मत करो जो तुम कर रही, किसी भी चीज में कोई सच्चाई नहीं, हकीकत तो ये नशे याद भी इस तरह बात करते हैं, सारी बातें याद कर उसको बताऊंगी, उनकी बेस पे बात कर रही है ना, वो मकबर गलत है, अदावे सारे गलत है, ये केस जो है शट डाउन है, ये केस ओपन शट है, हकमेर 11 करोड़ हो ही सकता, इनका नाम है मेरे पास अदालत के हुजूर, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इन तमाम चीजों में पढ़ने के बजाय मुझको तो मालूम था क्या करती, तभी मैं लेके आया मैं इन चीजों से इसको हटाऊँ, देखिए हजरत जुनैद बगदादी ने एक ऐसी औरत के साथ ये वाकया किया और ये वाकया उसमें ये हुआ था कि उन्होंने उसकी तमाम सारी चीजें छुड़वा दी थी, तो मैंने सोचा था मैं इसको छुड़वा दूंगा, अब छुट जाएगी एक नेकी हो जाएगी जिंदगी में, बहुत अल्लाह ताला माफ करे, बहुत गुनाह करते हैं अल्लाह माफ कर देता है, रहम करता है, तो मैंने कहा भाई एक काम ऐसा हो जाएगा छूट जाएगी, जब ये इसने दोबारा ये सब कुछ शुरू किया, भाई मुझे बताओ तुम ये क्यों करती हो, ये किस लिए करती हो, तुम इतना अच्छा रह रही हो, तुम्हारा कोई परेशानी नहीं है, तुम ये क्यों करती हो,
तो ये डर की आवाज चली गई रोजरा। मैं वहां भी पूछता रहा कि भाई तुम आ जाओ घर, हमारा पहला रमजान है, पहली ईद नहीं आई, इसे रहने बताए क्या बैठा था। और उसके बाद जो है वो ये कहती है मैं बताऊंगी आप, आपके आपके खिलाफ एक मुकदमा तो बताया भी नहीं था, इसे बताया मैं नहीं आ रही। दूसरे दिन इसे जो है मुकदमा कर दिया, एक दिन पहले ये वीडियो बना रही है कि मेरा मेरा घर नहीं टूटा है, मुझे तलाक नहीं हुई, उसके बाद मुकदमा कर दिया। बताइए कोई इंसानियत है।